attention and concentration. अभी attention and concentration बारे में देखना है. Attention मतलब एक चीज़ कुछ भी के ऊपर में हम लोग हमारा focus सुन रहे तो इसको क्या बोलती है, attention बोलती है. अभी मैं कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर में क्या क्लासेस हो रहे हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं, दैट इज़ अटेंशन. देन वो काम ख़त्म होने तक मैं उसका ऊपर ध्यान रखने तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. दो चीज़ें, सो अटेंशन पहले एक चीज़ का ऊपर आप फोकस कर रहे हैं. फोकस मतलब ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अटेंशन बोलते हैं. वो ध्यान रखने के बाद वो काम ख़त्म होने तक आप उधर सुन रहे हैं, उधर देख रहे हैं, आओ उसका ऊपर ही है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. सो वही है अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. सो नेक्स्ट इज अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन में डिसऑर्डर्स कब बोलते हैं, कब बोलते हैं, आपको वो अटेंशन सही से नहीं कर पाया तो, और कोई दूसरा प्रॉब्लम मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी कंटिन्यूसली आपको दिक्कत हो रही, कंटिन्यूसली करने के लिए दिक्कत हो रही तो वो टाइम उसको क्या बोलती है, डिसऑर्डर बोलते हैं, सर्जिकल डिसऑर्डर्स. इसमें हमको कैसे दिखेगा, उनको डिसऑर्डर है कैसे दिखेगा, उसको क्या बोलती है, नैरविंग ऑफ अटेंशन बोलती है, डिस्ट्रैक्टिविटी बोलती है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलती है. और नैरविंग ऑफ अटेंशन मतलब, नैरविंग ऑफ अटेंशन मतलब अटेंशन क्लियरली नहीं कर सकता है, दैट इज़ नैरविंग ऑफ अटेंशन. अब इधर देखिए, उनको काम करना है कंप्यूटर में, बट उनका अटेंशन क्या है, थोड़ा कंप्यूटर में है, थोड़ा एक इंसेक्ट्स बोलती है इंग्लिश में, इसका ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं, ओके इसका ऊपर है, ओके हाउस फ्लाई बोलती है इंग्लिश में, बिकॉज वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं काम करने समय. सो इसका थोड़ा माइंड इसका ऊपर है, थोड़ा माइंड कंप्यूटर के ऊपर है. सो दिस इज़ का नैरोविंग बोलती है, मतलब कंप्लीट अटेंशन कंप्यूटर में, कंप्यूटर और इनका काम का ऊपर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलती है, नैरोविंग ऑफ अटेंशन बोलती है. सो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब डिस्ट्रैक्ट, एक काम कर रहे कंप्यूटर, सडनली इसका साइड में एक पानी गिर गया, सो वो क्या कर रहे हैं, वो पानी के ऊपर उनका अटेंशन चेंज कर रहे हैं. एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट उनका काम है, बट थोड़ा पानी गिरने के बाद उनका अटेंशन उधर जा रहे हैं, देन उसके बारे में वो सोचने के लिए शुरू कर रहे हैं, पानी गिर गए तो क्या होगा, अभी पानी गिर गया थोड़ा कैसे क्लीन करना है, फिर से पानी लेके आना है, कहाँ रखना है, क्यों गिर गया, ऐसा उनका मेन काम छोड़ के दूसरा जगह पे जा रहे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बोलती है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, पानी वजह से उनका काम से अटेंशन तो पानी के ऊपर चले गए. सो अटेंशन चले गए तो देन उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन मतलब अटेंशन का कंटिन्यूटी है, ओके. सो यस, दिस इज डिस्ट्रैक्टिबिलिटी. आप इधर भी नैरोइंग ऑफ अटेंशन भी बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्टिविटी, इधर डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहे हैं, हाउस फ्ले कर रहे हैं, सो वो भी बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्टिविटी. बट इधर थोड़ा ध्यान उनको कंप्यूटर के ऊपर भी है, थोड़ा ध्यान उसमें है, सो इसलिए नैरोइंग ऑफ अटेंशन बोलती है. इस नैरोइंग ऑफ अटेंशन का कारण क्या है, वो डिस्ट्रैक्टिविटी वो फाइ कर रहा है. सो दो एग्जाम्पल भी ओके. एंड वो किसको दिस प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, ज़्यादा टायर्डनेस हो गया ना, उसको फैटिक बोलती है इंग्लिश में, किसको ज़्यादा टायर्ड होगा, ज़्यादा सुबह से इवनिंग तक फील्ड में काम करके आ रहे हैं, उनको ज़्यादा टायर्डनेस होगा. सो सब्सटेंस अभी उसको अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल मतलब उसको क्या दारू बोलती है, दारू पीती है, और कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, उसको ड्रग्स मतलब क्या हम लोग यूज़ नहीं करना है वो चीज़, कुछ लोग क्या करेंगे, उनका एक
यूफोरिया के लिए वो यूज़ करेंगे. दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाई द गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड बाई द मेडिकल प्रोफेशनल्स. बट दिस पीपल्स उनको अच्छा लगेगा वो पीतने तो खाने तो अच्छा लगेगा इसलिए वो लोग खाएंगे. बट वो हेल्थ को अच्छा नहीं है. सो उन लोगों को क्या होगा मेंटल ब्रेन को अफेक्ट होगा वो चीज़, इसलिए उन लोग अटेंशन नहीं कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं कर सकता है. इसलिए कोई बहुत टायर्ड से घर से आने के बाद उनको कुछ बात करने तो वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे बिकॉज उनको अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा बिकॉज उनका टायर्ड वजह से. ओके सो उसके अलावा ज़्यादा एंग्जाइटी वाले लोग को, मैनिया वाले लोग को, डिप्रेशन वाले को, स्किज़ोफ्रेनिया वालों को, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स वाले लोग को, ओके उन लोगों का भी ओके अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, समटाइम्स नहीं होगा बिकॉज ऑफ उनका मेंटल प्रॉब्लम. सो इतना है. थैंक यू.